हेलो एवरीवन वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द सीलोम और बॉडी कैविटी बॉडी कैविटी एनिमल किंगडम में किस फाइलम से स्टार्ट हुई क्या रोल है इसका कहाँ प्रेजेंट होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे यस बॉडी कैविटी के बारे में आपको पता है आप कि ये कुछ एनिमल में एब्सेंट भी होती है दिस मे बी आ प्रेजेंट और एबसेंट इन एनिमल्स ओके दिस वन प्रेजेंट बिटवीन अ बॉडी वॉल एंड गट वॉल अब ये आपको समझना होगा बच्चों कि व्हाट इज अ गट वॉल एंड व्हाट इज अ आपकी बॉडी वॉल ठीक है ये एक बॉडी है किसी भी ह्यूमन की ले लेते हैं बेटा ठीक है ये इसका एलिमेंट्री कैनाल है बच्चों माउथ टू एनिस तक इसका एलिमेंट्री कैनाल है ठीक है ऑर्गन्स को छोड़ देते हैं हम ऑर्गन्स कुछ ऑर्गन मीजोडम से ओरिजिनेटेड होते हैं कुछ ऑर्गन आपके एंडोडम से ओरिजिनेटेड होते हैं जो यहाँ सीलोम में है प्रेजेंट बॉडी कैविटी में जो ऑर्गन प्रेजेंट है दिस मे बी ओरिजिनेटेड बाय एंडोडम और एक्टोडम्स तो यहाँ पे जो लेयर प्रेजेंट है बेटा दिस वन इज अ गट वॉल और एंडोडम एंडोडम और गट वॉल ओके ये हो गई एंडोडम और गट वॉल इसके बाद ये इसकी बॉडी है यस दिस वन इज अ बॉडी ये हो गई बच्चों बॉडी वॉल ओके दिस वन इज अ बॉडी वॉल दिस वन इज अ बॉडी वॉल ये बॉडी वॉल बनी कैसी है एक्टोडर्म से एक्टोडर्म ओके एंड इसके बीच में जो स्ट्रक्चर है जो मीजोडम से लाइंड है दीज आर लाइंड बाय मीजोडम दिस कैविटी यहां पे भी एक फ्लूड फिल होता है बेटा ऐसी खाली नहीं है तो दिस फ्लूड फिल्ड कैविटी इज कॉल्ड सीलोम और बॉडी कैविटी सीलोमिक फ्लूड एंड फ्लूमिक फ्लूड क्या हो जाएगा यहाँ पे समझ गएर अच्छा, को समझ लेते हैं जब हम एम्ब्रियोनिक स्टेज में सबसे पहले बनागॉट हम भी एक सिंगल सेल रह चुके हैं जयगॉट में कंटिन्यूसली डिविजन होना स्टार्ट होता है तो कुछ भी बनने से पहले थ्री जॉम लेयर बन जाते हैं टिश्यू बनेगा पहले, बनेगा आगे पढ़ेंगे आप नर्वस सिस्टम हमारा एक्टोडर्म से बनता है कुछ पार्ट अलग अलग पार्ट्स है ठीक है जैसे चैप्टर पढ़ते जाएंगे वहां पे आप देखते जाएंगे तो एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड कुछ पार्ट एक्टोडर्म से ओरिजिनेटेड होगा कुछ मीजोडम से कुछ एंडोडर्म से ठीक है तो सबसे पहले याद रखना है कुछ भी बनने से पहले तीन जर्म लेयर बनेंगे अब इन तीन जर्म लेयर के बीच में मीजोडम जो है वो अपने आप को डिवाइड कर लेती है चीर लेती है ठीक है तो मीजोडम का देखो मीजोडम ग्रीन कलर की है मीजोडम का आधा पार्ट एंडोडम के पास है आधा पार्ट एक्टोडम के पास है बीच में खाली स्पेस है तो ये खाली स्पेस आपकी बॉडी की कैविटी बनाता है बेटा अगर ये बॉडी की कैविटी नहीं होती तो ऑर्गन्स यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाते आपके अंदर जो कैविटी है यहाँ पे सारे ऑर्गन्स प्रेजेंट है आपका लिवर प्रेजेंट है आपका स्टमक प्रेजेंट है इंटेस्टाइन प्रेजेंट है दिस वन इज अ कैविटी ओके तो ये कैविटीज जो है वो कैसे बन रही है मीजोडम के डिवाइड होने से ठीक है अब क्या कुछ ऐसे एनिमल भी हैं जिनके पास तीन लेयर प्रेजेंट भी है फिर भी उनके पास बॉडी कैविटी नहीं है यस yes, ऐसे एनिमल भी हैं बच्चों तो यहाँ पे प्लेटे हेलमेंथीज की कैटेगरी लाइक like एग्जाम्पल क्या है बच्चों टेप वॉम टेप वॉम टीनिया सोलियम जिसको कहते हैं टीनिया आपकी बुक में लिखा हुआ है खाली और प्लेटे हेलमेंथीज में आपका प्लेनेरिया आ जाएगा इज हैविंग अ ट्रू रीजनरेशन कैपेसिटी एंड उसके बाद आपका यहाँ पे लिवर फ्लक भी आ जाएगा ओके इनके पास इन एग्जाम्पल से भी पूछा जा सकता है आपसे कि बॉडी कैविटी प्रेजेंट है या नहीं है नो, no. पे थ्री जर्म तो प्रेजेंट है बट मीजोडम डिवाइड नहीं हुई बेटा ओके? तो आर नो सीलोम, नो बॉडी कैविटी, दिस टाइप ऑफ एनिमल इज कॉल्ड सीलोमेट, ओके नेक्स्ट एनिमल्स इज अडो सिलोमेट जहां पे कैविटी बनने की कोशिश की गई है जहां पे मीजोडम ने अपने आप को डिवाइड करने की स्टार्टिंग किया है बट नॉट फॉर्म अ पर्टिकुलर लाइंड एक कैविटी एक पूरी तरीके से लाइंड कैविटी नहीं बना पाए बट पाउचेस बना लिए आर फॉर्म ऑफ अ के पाउचेड आपको यहां पे मिल जाएंगे तो दिस टाइप ऑफ अ सीलोम इज कॉल्ड सीडो और ऐसे एनिमल को सीडो बोलेंगे ओके नेक्स्ट आप देखोगे बेटा सीलोमेट ये है एक्चुअल सीलोमेट जो मैंने यहां पे आपको दिखाया ठीक है एक्चुअल सीलोमीट में आपको क्या दिखाई देगा दिस वन इज यस जो रेड कलर से मैंने बनाया है वो एक्टोडम ग्रीन कलर से बनाया है वो मीजोडम है मीजोडम ने अपने आप को बीच में से डिवाइड कर लिया है एंड दिस आर द कैविटी इज अ सीलोम और बॉडी कैविटी मीजोडम लाइंड कैविटी इज कॉल्ड अ सीलोम अब ये सीलोम्स की कैटेगरी को दो में डिवाइड किया गया है हालांकि ये आपके एनसीआरटी में नहीं है मेंशन, बट थोड़ा सा ये देखना पड़ेगा एंड शाइजोसिलोम और क्या होते हैं एंटाइरोलोम्स जो ऊपर ऊपर के एनिमल्स हैं एक्चुअली ट्रू सीलोमेट आया कहा से ये क्वेश्चन आपसे पुटअप हो सकता है एनालिडा से आया ओके एनालिडा के एग्जाम्पल है नरिस अर्थ एंड लीच टिरुडीन एरिया कहते हैं लीच को एंड अर्थवर्म इज कॉल्ड अ फेरिटिमा होमा ओके तो ये कैटेगरी तीन एग्जांपल ही दिए हुए हैं बुक में आपको इन तीनों को लर्न करना है एनालिडा के एग्जांपल्स है यही से ही ट्रू सीलोमेट्स आए हैं ट्रू सीलोमेट्स ठीक है यहीं से ही आपके सीलोमिट आए है, मतलब तो साइजोसीलोमेट्स जो है वो डेवलप्ड बाय द स्प्लिटिंग ऑफ उनका सीलोम डेवलप हुआ है by splitting of mesodums, mesodum के split होने से आर्थ्रोपोडा एंड द वॉल ऑफ एम्ब्रियोनिक गट एम्ब्रियोनिक गट की जो वॉल है उससे मिलके बॉडी कैविटी बन रही है एम्ब्रियोनिक गट की वॉल से मिलके आपकी बॉडी कैविटी बन रही है सो इज कॉल्डरोम्स ठीक है ये हालांकि बुक में नहीं है लेकिन थोड़ा सा ये पार्ट पता होने चाहिए पहले इससे क्वेश्चंस आते थे इस अराउंड ऑफ फाइव ईयर बिफोर ओके तो यहाँ पे इकाइनोडम्स एंड कॉर्डेट्स कॉर्डेट में हम भी आते हैं तो हमारा एंटायरो हैं ठीक है थीके? तो इस तरीके से सीलोम्स आपको बेटा पता होना चाहिए जम लेयर भी कवर हो गया यहाँ पे सिलोम्स भी कवर हो गया